वालेकुम जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हुंजा की एक बहुत ही खूबसूरत छोटी सी झील बोरत लेक, इसका नाम है, कि मेन केकेएच से अभी फिलहाल कच्ची रोड है, जीप्स यहाँ पे आती हैं, लेकिन रोड का काम हो रहा है, आने वाले सीजन में इंशाल्लाह ये रोड भी बन जाएगी। गुलमित से थोड़ा सा जूं ही आप निकलते हैं, गुलमित से आगे ऊपर इसका ट्रैक आता है, पीछे आप ये देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत झील है, बहुत ही पुरसकून जगह है। इस लेक के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की बोटिंग्स भी अवेलेबल हैं, जिसमें कयाकिंग है, कयाक जिसमें सिंगल पर्सन होता है, उसके अलावा पैडल बोट है दो पर्सन वाली, और चप्पू वाली जो किश्तियां हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। इस वक्त हम खड़े हैं यहाँ पे पामीर हट्स, इस हट का नाम है, चार पांच छोटे छोटे हट्स इन्होंने बनाए हुए, बहुत ही खूबसूरत। ये अंदर से भी आपको मैं दिखा दूं, ये बिल्कुल नेचुरल हट्स बने हुए, पत्थर की दीवारें हैं और नीचे लो बेडिंग है, और वॉशरूम्स इसका आउटसाइड है क्योंकि इनसाइड उन्होंने वॉशरूम नहीं बनाए, तो जगह की कमी की, दूसरी नेचुरल इन्वायरमेंट को बरकरार रखने के लिए। तो जो भी लोग हुंजा आते हैं, ज्यादातर लोग 90% लोग यहाँ से केकेएच से होके, जो रोड की जगह है वहां से होके वापस चले जाते हैं, तो मैं आपको जरूर ये मशवरा दूंगा कि आप बोरत लेक इस जगह पे जरूर आएं। अगर आप यहाँ पे नाइट स्टे नहीं भी करते हैं तो कम से कम इसको विजिट करके जाएं, और आपका नाइट स्टे का प्रोग्राम है तो इंतहाई खूबसूरत ये जगह है, बहुत पीसफुल और बहुत ही पुरसकून जगह है, रात गुजारने का अपना ही यहाँ मजा है, कैंपिंग भी आप यहाँ कर सकते हैं, इनके पास कैंपिंग की अवेलेबिलिटी भी है, और लेक के एंड के ऊपर आपको छोटे छोटे कैंप्स भी नजर आ रहे होंगे, वहां पे भी कैंपिंग का बंदोबस्त है, आप अपने यहाँ पे इजाजत लेके अपने कैंप्स भी लगा सकते हैं। और सर्दियों में यहाँ पे जो ये साइबेरियन बर्ड्स होते हैं, मुर्गाबी होती है, वाफर मकदार में यहाँ पे आती है, आपको पूरी लेक में हर तरफ वो नजर आएंगी, अभी वो यहाँ पे नहीं है क्योंकि सीजन उनका नहीं है। उसके अलावा मछलियां यहाँ पे नहीं है क्योंकि ये यहाँ पे कहा जाता है कि खारा पानी है, जिसकी वजह से मछली यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। जरूर यहाँ पे आए, सुकून से एक दिन दो दिन गुजारें, यहां से आगे ट्रैक है जो आपको पासू ग्लेशियर तक लेके जाएगा, गाड़ी पे भी आप जा सकते हैं, पैदल अगर आप जाना चाहें तो 40 से 45 मिनट का ट्रैक करके, और ग्लेशियर के ऊपर का जो ट्रैक है इंतहाई खूबसूरत जगह है, वो वहां से होकर आपको पूरा पासू ग्लेशियर एंड तक नजर आएगा, और नीचे से केकेएच का नजारा भी होगा, इंतहाई खूबसूरत जगह है, बहुत ही मजे का जगह है। यहाँ पे गर्मी आजकल हुंजा में भी काफी पड़ रही है, लेकिन यहाँ आके मौसम भी आपको अच्छा मिलेगा, एनवायरनमेंट भी बड़ा साफ सुथरा है, और बिल्कुल नेचुरल माहौल है। बहुत शुक्रिया।